मैंने आपको शरद कुमारी मारुति सुजुकी फ्रोंक्स का मिड वेरिएंट जो कि डेल्टा प्लस वेरिएंट रहने वाला है। अगर आप फ्रोंक्स का कोई ऐसा वेरिएंट देख रहे हैं जिसमें आपको सभी बढ़िया फीचर्स मिल जाए, जैसे अलॉय व्हील्स हो गए, टस्किन एंटरटेनमेंट सिस्टम हो गया, और इसके अलावा काफ़ी बढ़िया फीचर्स आपको उस कार के डेल्टा प्लस वेरिएंट में मिल जाते हैं। मैंने आपको उस कार के लोअर वेरिएंट काफ़ी सारे दिखा दिए, बेस मॉडल भी दिखा दिया, डेल्टा भी दिखा दिया, पर लेकिन उसमें कहीं ना कहीं फीचर की कमी रहती है। देखने में ऐसा नहीं लगता कि टॉप मॉडल जैसा हो, पर लेकिन आपको डेल्टा प्लस वेरिएंट में अलॉय व्हील्स की वजह से कार देखने में काफ़ी बढ़िया लगती है एक्सटीरियर से, और इंटीरियर में आपको आपके हिसाब के सभी बढ़िया फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे टस्किन एंटरटेनमेंट सिस्टम हो गया, और इसके अलावा पूरी फीचर्स से लोडेड रहने वाले। अगर आपको फिर भी फीचर की कमी लगती है फिर आप इसके अपर मॉडल के साइड जा सकते हैं, और एक एक करके हम सभी फीचर्स को देख लेंगे, क्या क्या आपको इस वाले वेरिएंट में मिल जाते हैं, इस अपर मॉडल में क्या मिल जाएंगे, प्राइस डिफरेंस क्या रहेगा, कौन सा वेरिएंट फिर वैल्यू फॉर मनी है इस कार का, एक एक सभी चीजों को हम देखने वाले हैं। पहले अगर आप देखते हैं कार को एक्सटीरियर से, देखने में काफी बढ़िया लगती है, लुक्स काफी बढ़िया लगते हैं इस कार के, और स्पेशली इस कलर में। फीचर भी स्वागत हो इस कार की फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट में आपको एलईडी इंडिकेटर्स मिल जाएंगे और एलईडी डीआरएस डुअल फंक्शनिंग के साथ रहते हैं, और ये रही ग्रिल इस कार की, क्रोम मिल जाता है आपको यहाँ पर, सुजुकी का हो गया लोगो, और ये इस कार के हेडलैम्प्स, एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, नीचे साइड होगी सिल्वर स्किड प्लेट, फिर ओवरऑल कुछ तरह की लगेगी इस कार की फ्रंट प्रोफाइल, और ये रही साइड प्रोफाइल इस कार की। इस वाले वेरिएंट में आपको पियानो ब्लैक फिनिश में एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लगते हैं, 15 इंच के रहेंगे, 195/60 R15 की प्रोफाइल रहेगी, इस ऊपर की साइड होगी क्लैरिटी जो कार की पूरी बॉडी तक रहने वाली है, जिस वजह देखने में काफ़ी रफ एंड टफ सी लगती है कार। ये रहे इस कार के ओआर जो कि आपको बॉडी कलर के मिल जाएंगे, इंडिकेटर भी आपको इसी पर मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है, और ए पिलर हो गया बॉडी कलर का, ऊपर की साइड होगी रूफ रेस, और डोर हैंडल्स भी आपको बॉडी कलर के मिल जाते हैं इस कार में। जो इंटीरियर इस कार का वो 3-टोन कलर में रहता है, जिस वजह से देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है इंटीरियर इस कार का। फ्री कंबाइंड लुक बैक और साइड प्रोफाइल की, बैक साइड की टेल लाइट ऑन होने के बाद तो बिल्कुल गजब लगती है देखने में, और एलईडी इंडिकेटर जब ऑन होते हैं ये आपको बेस मॉडल से ही ऑफर हो जाते हैं। ऊपर साइड हो गया शार्क फाइट एंटेना, रेयर स्पॉइलर, हाई मैजेस्टिक लैंप, रेयर डिफोगर मिल जाएगा आपको, और ये इसकी एलईडी टेल लाइट, इंडिकेटर भी एलईडी में रहेंगे, फ्रोन्स की होगी यहाँ पर बैजिंग, 4 पार्किंग सेंसर्स रहते हैं, रिफ्लेक्टर्स हो गए यहाँ पर साइड में, नीचे साइड होगी सिल्वर स्किड प्लेट। अब चलिए फिर मैं आपको इस कार का बूट दिखाता हूँ, फिर कितना स्पेस आपको इस कार के बूट में ऑफर करा जाएगा। ये रहा इस कार का बूट, 5 ट्रे जैसे फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं, वेरा स्पेयर व्हील, जैसे आपने देखा इसमें आपको एलईडी डीआरएस मिल जाएंगी, 16 इंच के एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, एलईडी रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स जो कि ऑटो हेडलैम्प्स रहेंगे, और जैसे और फीचर्स हैं जैसे बॉडी कलर के ORBM, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, रियर पार्श्व ट्रे, क्रोम ग्रिल, ये वाले फीचर्स आपको डेल्टा वेरिएंट से ही मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका आपको 1.5 लीटर का डुअल जेट डुअल VVT इंजन मिल जाएगा, 1200 सीसी का जो कि प्रोड्यूस करता है 88 BHP की पावर, 113 Nm का टोर। तो चलिए मैं आपको उस कार का इंटीरियर दिखाता हूँ, फिर क्या क्या ऑफर करा जाएगा आपको उस कार के इंटीरियर में, और ये इंटीरियर कार का जो कि देखने में काफी बढ़िया सा लगता है, और ये ड्राइवर साइड डोर, ये भी आपको 3-टोन कलर में मिलने वाला है, एक ब्लैक कलर हो गया, गोल्डन कलर मिलने वाला है, डोर में हो गया ब्लैक कलर का, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल रहेंगे इस कार के ओआर में, कुछ तरह कंट्रोल्स रहेंगे, चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक के लिए, बाटर बोर्ड के लिए स्पेस हो गया, डॉक्यूमेंट में स्पेस, और स्पीकर, और बाहर से देखने में कुछ तरह का लगेगा इंटीरियर इस कार का। और ये ड्राइवर साइड सीट, ड्राइवर सीट अटैचमेंट का फीचर्स में नहीं है, सिर्फ रिक्लाइन करने का मिल जाएगा आपको, और ये बैक डोर, डोर में हो गया ब्लैक कलर का, पावर विंडो कंट्रोल हो गया, यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है, फ्रंट डोर्स में भी रहेगा, यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है, पावर विंडो कंट्रोल हो गए, बाटर बोर्ड के लिए स्पेस, डॉक्यूमेंट के लिए स्पेस, और स्पीकर। तो वैसे उस तरह का रहने वाला इंटीरियर इस कार का, सभी फीचर्स को हम देखने वाले हैं आपको क्या क्या ऑफर करे जाते हैं इस वाले वेरिएंट में। और ये इस कार का स्टीयरिंग व्हील, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील तो आपको उसमें नहीं दिया जाता है, प्लीज फिल द टैंक इमीडिएटली। यहाँ पर आपको सर्कुलर में क्रोम मिल जाएगा, सुजुकी का हो गया यहाँ पर लोगो, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, और ये इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 8 मीटर हो गया यहाँ पर, ये स्पीडोमीटर बीच में मिल जाएगी आपको, कितने साइज की MID, फ्यूल का, टेम्परेचर का, कितना चल गया कार, एवरेज जैसी चीजें आपको उसमें दिखती रहेंगी, कुछ होगी इसमें अलर्ट लाइट, स्टिक मिल जाएगी यहाँ पर ट्रिप लगाने के लिए, और ये ड्राइवर साइड AC वैन, यहाँ पर कार्बन फिनिश मिल जाती है, ट्रैक्शन ऑन का बटन जैसे मैंने आपको दिखाई दिया, कार का बोनट खोलने के लिए हो गया, फ्यूल लिड को ओपन करने के लिए यहाँ पर, और इंजन स्टार्ट शो बटन आपको इसमें नहीं मिलता है, आपको यहाँ पर फिजिकली की लगानी पड़ेगी, और ये सेंटर कंसोल 7 इंच का दिया गया इसमें, टस्किन एंटरटेनमेंट सिस्टम जो कि आपको एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले के साथ दिया जाएगा, हजार लाइट का हो गया बटन, AC वेंट्स हो गए यहाँ पर, कार्बन फिनिश हो गई, ग्रे फिनिश मिल जाती है आपको यहाँ पर, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC, 12 वोल्ट का हो गया पावर सॉकेट, USB पोर्ट हो गया, थोड़ा स्पेस का फोल्डर्स हो गए दो, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में रहेगी ये कार, कुछ तरह का नोब रहेगा यहाँ पर, पियानो ब्लैक फिनिश हो गई, और ये हैंड ब्रेक यहाँ पर भी आपको कार्बन फिनिश मिल जाती है, और ये ड्राइवर साइड सनवाइजर, वैनिटी मिरर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, ना ही टिकट होल्डर,
और ये कैबिन लैंप जो कि हैलोजन में रहेगा, दो कैबिन लैंप हो गए यहाँ पर, वो एक यहाँ पर मिल जाता है आपको। जब मैं रेयर सीट पर चलूंगा तो आपको दिखा दूंगा। ये IRBM मैनुअली टेनर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ड्राइवर साइड सनवाइजर, वैनिटी मिरर, ग्रैब हैंडल हो गया, कुछ तरह की फ्रंट सीट्स रहने वाली है इस कार में, जिसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, फैब्रिक सीट्स रहेंगी जिन पर कुछ तरह का डिजाइन है जिसे आप देख सकते हैं, और ये रहा डैशबोर्ड ओवरऑल, और ये रहा इस कार का ग्लव बॉक्स, काफी ठीक ठाक साइज रहने वाला है ग्लव बॉक्स का, और ये रहा को ड्राइवर साइड डोर, पावर विंडो कंट्रोल, पार्ट बोर्ड ग्लास स्पेस और स्पीकर, ओवरऑल किस तरह का फ्रंट सीट पर बैठकर जो फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं वो तो मैंने आपको दिखाई दिए हैं। अब लेके चलते हैं उस कार की रियर सीट पर, वहां पर आपको इतना स्पेस मिल जाएगा। ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ, जिससे आपको सही से आइडिया होने वाला है कितना लेग रूम वहां पर। मेरी हाइट 6 फीट है। तो ये रियर सीट इस कार की, जैसे आप जैसे अंदर थाई सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो काफी बढ़िया रहेगा, फ्रंट में भी स्टेबल हेडरेस्ट रहेंगे और लेग रूम में भी कोई भी कमी नहीं रहने वाली है, और हेडरूम भी ठीक ठाक है अगर आप देखते हैं तो। हाइट ज्यादा ही है, 6 फीट से भी और ज्यादा है, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। और रियर सीट पर बैठे उस तरह का लगेगा डैशबोर्ड, फ्रंट में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और बैक में भी आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। 60/40 में आप रियर सीट को स्प्लिट कर सकते हैं। आर्मरेस्ट नहीं दिए गए हैं, रेयरी सी वेंट्स नहीं है यहाँ पर, क्योंकि छोटा सा ही कैबिन रहने वाला है, बलिनो के अप्रोक्सीज का कैबिन है, और यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है। 12 वोल्ट को गया पावर सॉकेट, हो गया स्पेस, कितने साइज को गया यहाँ पर हम्प, और ये रहा बैक डोर, कितने साइज को गया यहाँ पर ग्लास, ग्रैब हैंडल हो गया, जैसे आपको दिखाई दिया आपको यहाँ पर एक कैबिन लैंप मिल जाता है, फ्रंट में भी हो गया। तो ओवरऑल कुछ तरह का इस कार का इंटीरियर, जो फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर मिल जाते हैं मैंने आपको सभी दिखा दिए हैं। वैसे हम देखो उस तरह का इस कार का बोल रहा हूँ, जो फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर एक्शन मिल जाते हैं आपको सभी दिखा दिए हैं। जैसे आपने देखा सभी फीचर्स मिल जाते हैं, फीचर्स की कोई भी कमी नहीं रहने वाली है। अगर आप फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कार को देखते हैं तो ये टस्किन इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, इंटीरियर में आपको सभी फीचर्स मिल जाएंगे जैसे टॉप मॉडल में रहते हैं ना फीचर्स, सभी फीचर्स ऐसे आपको इस कार में ऑफर करे जाते हैं। एक्सटीरियर देखकर कोई भी नहीं कहने वाला है कि मिड वेरिएंट है, क्योंकि LED DRLs देखने में काफी बढ़िया लगती है, LED आपको हेडलैम्प मिल जाएंगे, ग्रिल भी देखने में काफी बढ़िया लगती है, और बैक में आपको LED टेल लाइट मिल जाएगी, जिस वजह से टॉप मॉडल की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होती इस वाले वेरियंट में। इसी वजह से सबसे आज सेल होने वाला वेरियंट है वो इस कार का यही वाला है, डेल्टा प्लस, टॉप रिकमेंडेड है, टॉप सेलिंग है, वो वैल्यू फॉर मनी है, और प्राइस हमने आपको इस कार का बताई दिया, 8,72,000 रुपीज के शोरूम प्राइस पर आपको वाली कार मिल जाती है। अगर आपको इस कार की और ब्रांड की वीडियो देखनी है, किसी और कार का बैकग्राउंड देखना है, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं।